हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, मैं रवि पटेल प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी चैनल के अंदर एक और बार आप सब लोगों का फिर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, आज हम ये वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं यूएसडी आईएनआर के वीकली व्यू के बारे में कि जो हमारा नेक्स्ट वीक आने वाला है अगस्त का थर्ड वीक, उसके रिगार्डिंग जो है वो हम पहले उसके सपोर्ट के बारे में बात करेंगे और फिर जो है उसका टारगेट क्या हो सकता है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो जैसे कि दोस्तों मैंने यहाँ पर टाइटल में मेंशन किया है कि 74.70 जो था वो हमारा फाइनल सपोर्ट था यूएसडी आईएनआर के लिए लास्ट वीक के अंदर, कि जो ब्रेक नहीं हुआ है। जैसे कि हमने लास्ट वीक में भी बात की थी कि अगर ये सपोर्ट जो है वो ब्रेक होगा तो इसके नीचे जो है वो एक बहुत बड़ा शार्पली करेक्शन जो है वो हमें देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर जो है वो दोस्तों आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि वो सपोर्ट जो है वो ब्रेक होगा फाइनल सपोर्ट, तो आपको एकदम स्पीड से करेक्शन जो है वो देखने को मिल सकता है। तो अब हम बात करते हैं उसके नेक्स्ट वीक के सपोर्ट के बारे में और फिर हम बात करेंगे उसके टारगेट के बारे में और देखेंगे कि क्या क्या पॉसिबिलिटी बनती है नेक्स्ट वीक के अंदर उसके रिगार्डिंग। तो पहला जो सपोर्ट है दोस्तों, जहाँ पे अभी उसने जो क्लोजिंग किया है वहाँ से वो सपोर्ट बनता है 74.85 का लेवल। ठीक है, 74.85 इज अ वेरी इम्पोर्टेंट सपोर्ट फॉर द यूएसडी आईएनआर फॉर द नेक्स्ट वीक। नेक्स्ट वीक के लिए दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट सपोर्ट है, ध्यान रखना। अगर ये सपोर्ट जो है वो ब्रेक होता है और यूएसडी आईएनआर जो है उसका डेली क्लोजिंग जो है वो ये सपोर्ट के नीचे होता है क्लोजिंग बेसिस पे, तो फिर हमें थोड़ा सा दोस्तों अलर्ट रहना चाहिए, क्योंकि इसके नीचे जो है वो आपको यूएसडी आईएनआर के अंदर थोड़ा करेक्शन ज़्यादा देखने को मिल सकता है। ठीक है, और ये जो करेक्शन है वो फिर आपको 74.70 के लेवल के आसपास जो है वो देख सकते हो, और ये जो होगा वो हमारा फाइनल सपोर्ट होगा नेक्स्ट वीक के लिए। अगर हमारा जो यूएसडी आईएनआर है उसका जो क्लोजिंग है वो फाइनल सपोर्ट के नीचे हो जाता है डेली बेसिस के ऊपर, ओके, इफ यूएसडी आईएनआर इज क्लोज्ड बिलो दिस फाइनल सपोर्ट विच इज 74.70, देन फ्रेंड्स वी मे सी मोर शार्प करेक्शन इन द यूएसडी आईएनआर अप टू 74.55। ठीक है, ध्यान रखना आप, 74.55 से लेके हम जो है वो 74.45 के जो लेवल है वो देख सकते हैं। जब कभी भी ये बात मेरी ध्यान से सुनना, जब भी ये यूएसडी आईएनआर जो है वो 74.45 का जो लेवल है, ये जो रेंज है 74.55 से 74.45, ये वाली रेंज को दोस्तों ये काट के जिस भी दिन अगले वीक में, नेक्स्ट वीक में, कभी भी, जब भी ये एक दो तीन वीक में अगर ये नीचे क्लोजिंग कर लेता है तो फिर इसके अंदर दिक्कत ज़्यादा हो सकती है और हम जो है वो और ज़्यादा करेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, ये जो है वो उसका बहुत ही बढ़िया स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ये वाली जो रेंज मैंने बताई वो 74.45 टू 74.55 इज़ अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेंज फॉर द यूएसडी आईएनआर। ठीक है, बहुत ही बढ़िया रेंज है। अगर ये रेंज को जो है वो यूएसडी आईएनआर नहीं काटता है, ब्रेक नहीं करता है और जो है वो ऊपर जाने की कोशिश करता है, और ये जो है वो एक बार 75.50 के ऊपर निकल जाएगा दोस्तों और क्लोजिंग कर देगा एक दो बार तीन बार डेली बेसिस के ऊपर, तो फिर हम जो है वो एक बार फिर से 76.50 के आसपास जो है वो जा सकते हैं, शायद नया हाई भी बना सकते हैं। लेकिन अभी जो है वो यूएसडी आईएनआर एक रेंज के अंदर काम कर रहा है दोस्तों, उसकी जो एक ब्रॉडर रेंज मैं आपको बता दूं तो 75.70 से लेके 74.70 के आसपास, ये जो वन रुपीज़ की जो 1 पॉइंट की जो रेंज है उसके अंदर जो है वो काम कर रहा है, तो हमें जो है वो शांति से इसके आसपास जो है वो काम करना है। और दोस्तों खास बात, इसके अंदर काम करो तो लिमिटेड क्वांटिटी के अंदर करना, क्योंकि कभी भी इसके अंदर जो है वो ब्रेक डाउन या ब्रेक अप हो सकता है। ब्रेक डाउन होगा 74.70 के नीचे और ब्रेक अप होगा 75.35, वीकली बेसिस की मैं बात कर रहा हूँ।
अगर 75.30-35 की रेंज काट देगा तो 75.50 के आसपास जो है वो जा सकता है। ठीक है, तो ये जो है वो हमने बात की उसके सपोर्ट के बारे में। अब हम दोस्तों उसके टारगेट क्या हो गए नेक्स्ट वीक के अंदर वो भी देख लेते, साथ में मैंने अपना जो ब्रॉडर व्यू है वो भी बताया। तो दोस्तों उससे पहले मैं एक चीज़ आपको और बता देता हूँ कि हमारी चैनल है हमारे यूट्यूब के ऊपर और उसके साथ साथ हमारी एप्लीकेशन है। दोस्तों एप्लीकेशन का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर आपके लिए रखा है। तो दोस्तों अभी जो है वो हमारी एप्लीकेशन के ऊपर बहुत ही बढ़िया ऑफर चल रहा है। ऑफ़र ये है कि जो भी लोग खाली हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे उनको अगस्त मंथ का जो ये अभी बचा कुचा जो भी बाकी है 2 वीक वो पूरा अगस्त मंथ जो है उनके अंदर हमारा एक और ग्रुप है स्टॉक का, जिसके अंदर जो है वो हम हमारे स्टॉक मार्केट के रिगार्डिंग डिस्कस करते हैं, उसके लाइव मार्केट में स्टॉक के बारे में बात करते हैं, कहाँ पर वो जा सकता है, उसके टारगेट उसके सपोर्ट वो सब हम बात करते हैं। तो अगर दोस्तों आप जो है वो इन्वेस्टमेंट करते हो स्टॉक के अंदर, हमारा जो व्यू रहता है दोस्तों वो 2-3-4-5 दिन का स्विंग ट्रेडिंग टाइप का होता है। हमें जैसे ही प्रॉफिट मिले 5-7% मिले हम लेके निकल जाते हैं। हमारा मिनिमम एक जो टारगेट होता है वो 5-7% के आसपास होता है। कुछ कुछ स्टॉक के अंदर जो है वो हम एक ही ट्रेड के अंदर 10%, 12%, 15% भी जो है वो गेन कर लेते हैं। तो अगर आपको स्टॉक के अंदर इंटरेस्ट हो दोस्तों पर्टिकुलर, तो आप हमारी एप्लीकेशन खाली डाउनलोड कीजिए और वहाँ पर आप स्टॉक वाले ग्रुप में अगस्त मंथ जो है वो फ्री है, सितंबर के बाद वो जो है वो चार्जेबल हो जाएगा, लेकिन जब तक फ्री है तब तक आप जो है वो उसका बेनिफिट ले सकते हैं। और साथ में दोस्तों हमारा करेंसी का भी ग्रुप है वो भी एक्टिवेट है, वो भी लाइव मार्केट के अंदर हम डिस्कस करते हैं वो हमें कहाँ पर USD INR और साथ में GBP यूरो कहीं पर भी हमें बाय या सेल की जो अपॉर्चुनिटी मिलती है वहाँ पर हम उसको जो है वो बाय या सेल करते हैं और हम जो है वो ये ट्राई करते हैं उसका मैक्सिमम बेनिफिट उठाने का। तो अगर आपको करेंसी के अंदर भी अगर दोस्तों हो ट्रेडिंग की इच्छा तो भी आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर जुड़ सकते हैं। वो जो है वो ग्रुप चार्जेबल है दोस्तों, वो आपको बता देता हूँ मैं। और उसके जो चार्जेस है नॉमिनल है 999, ठीक है, 999 रुपीज़ पर 1 मंथ, 1 महीने के 999 रुपये है दोस्तों सिर्फ। ठीक है, इसके अंदर हम पूरे 1 महीने में चारों ही करेंसी के बारे में लाइव मार्केट के अंदर जो है वो कॉल प्रोवाइड करते हैं। तो ये दोस्तों साथ में मैंने जो बताना था इन्फॉर्मेशन वो भी बता दिया। अब हम बात करते हैं उसके नेक्स्ट टारगेट क्या हो सकते हैं नेक्स्ट वीक के अंदर उसके रिगार्डिंग। तो नंबर 1 जो टारगेट है दोस्तों, अभी जैसे हमने बात कर ली उसके सपोर्ट के बारे में, एक सपोर्ट रेंज भी मैंने आपको बता दी, वो बहुत ही बढ़िया सपोर्ट रेंज है। जब तक ब्रेक नहीं होता है तब तक जो है वो आप वो सपोर्ट से जो है वो आप ऊपर की तरफ जो है वो जा सकते हैं। अब उसके टारगेट में पहला जो हमारा टारगेट बनता है नेक्स्ट वीक के अंदर वो है 75.20 का लेवल। ठीक है, 75.20 जो है वो बहुत ही बढ़िया एक हमारा टारगेट है, साथ में एक बहुत ही बढ़िया रेजिस्टेंस का काम कर रहा है इसके लिए। जब भी USD INR जो है वो 75.20 के ऊपर निकलने की कोशिश करता है और उसके ऊपर जाके क्लोजिंग करता है, खास दोस्तों ध्यान रखना अभी जो है वो हम क्लोजिंग प्राइस की बात कर रहे हैं, वो 1 डे के क्लोजिंग के प्राइस है। तो 1 डे का जो क्लोजिंग है वो हम 75.20 के ऊपर अगर हो जाता है तो 75.35 के आसपास जो है वो हम जा सकते हैं। ठीक है, 75.35 जो होगा वो हमारा नेक्स्ट वीक के अंदर फाइनल टारगेट होगा। अगर हमारा फाइनल टारगेट जो है दोस्तों वो सस्टेन कर लेता है, क्लोजिंग कर लेता है USD INR, और खास बात अगर ये 2-3 दिन अगर इसके ऊपर क्लोजिंग करता है, मेन बात अगर USD INR जो है वो कंटिन्यू, एक भी दिन ब्रेक नहीं होना चाहिए, कंटिन्यू 2-3 दिन ये लेवल के ऊपर अगर क्लोजिंग कर लेगा तो आने वाले टाइम के अंदर क्लोजिंग होने के बाद एक पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि लाइव मार्केट के अंदर क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें जो है वो चेंज होती रहती हैं और लाइव मार्केट के अंदर मैं वीडियो भी नहीं बना सकता जैसे कि हर बार मैं आपको कहता हूँ। तो मैं आपको एक ब्रॉडर क्लीन और क्लियर एक चीज़ बता देता हूँ कि अगर मार्केट के अंदर जो कुछ हो रहा है तो अगर आप खाली कभी भी वीडियो निकाल के देख लोगे, उसको सुन लोगे, तो भी आपको सारी बातें जो है वो क्लियर हो जाएगी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर USD INR जो है वो क्लोजिंग बेसिस के ऊपर 75.35 का जो लेवल है वो अगर क्रॉस कर लेता है, क्लोजिंग कर लेता है बहुत ही बढ़िया तरीके से, और
क्लोजिंग होने के बाद उसका जो हमारा नेक्स्ट पहला टारगेट बनेगा वो बनेगा 75.50 का लेवल, ठीक है। वहाँ तक वो आराम से जा सकता है, और वो अगर ब्रेक हो गया और इसके ऊपर अगर इसने निकाल दिया तो फिर दोस्तों एक प्रोबेबिलिटी हो जाएगी कि हम जो है वो एक बार फिर से 76.50 और 77 नया हाई भी देख सकते हैं आने वाले दिनों के अंदर, लेकिन उसके लिए 75.50 के ऊपर जाना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये हमें ध्यान रखना है 75.50, उसके ऊपर अगर हम जाते हैं तो हम जो है वो नेक्स्ट वीक के अंदर 75.75 के जो लेवल है उसके आसपास जो है वो USD INR के अंदर देख सकते हैं। तो ये दोस्तों सपोर्ट और टारगेट जो नेक्स्ट वीक के अंदर है वो आपको ध्यान में रखना है। मेन आपको ध्यान में रखना है सपोर्ट 74.70 का, ठीक है। जो मैंने बताया वो एक बहुत ही बढ़िया रेंज है, 74.55 से 74.45 जो है वो एक बहुत ही बढ़िया रेंज है। वो ब्रेक नहीं होती है तब तक जो है वो ये पॉजिटिव रहेगा। अगर ये ब्रेक हो जाता है और इसके नीचे क्लोजिंग हो जाता है तो वहाँ से गिरावट की साइज दोस्तों बहुत ही ज़्यादा होगी, ये भी आप ध्यान रखना, ठीक है। तो अगर आपकी लॉन्ग पोजीशन हो और अगर ये नीचे क्लोजिंग कर लेता है तो थोड़ा आप अलर्ट होना, क्योंकि इसके नीचे जो है वो हमें ज़्यादा करेक्शन देखने को मिल सकता है। मैं कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं दे रहा दोस्तों, मैं आपको जो व्यू जो है वो चार्ट का क्या हमें बता रहा है वो मैं आपको इन्फॉर्म कर रहा हूँ। और दोस्तों जो बताया मैंने वैसे अभी, अगर आपको स्टॉक के अंदर इंटरेस्ट हो, आपको स्टॉक के अंदर काम करते हो, तो आप हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए। अगस्त मंथ फ्री है, ऑलरेडी 2 वीक तो चले गए, 2 वीक बचे हैं, तो जितना भी बेनिफिट उठा सकते हो आप उठा सकते हो। और अगर आपको करेंसी के अंदर काम करना हो लाइव मार्केट के अंदर हमारे साथ, तो आप हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड करके, वो चार्जेबल ग्रुप है करेंसी का, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो। फीस भी मैंने बता दी दोस्तों, नॉमिनल है 999 रुपीज़, ठीक है दोस्तों। तो नेक्स्ट वीक के अंदर मिलते हैं, और उसके क्या पॉसिबिलिटी होगी USD INR की वो हम नेक्स्ट वीक के अंदर बात करेंगे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।